नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी नाक में दोनों छेदों के बीच में जो वॉल होती है उसे हम सेप्टम कहते हैं और ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है। नॉर्मली तो इस सेप्टम को बीच में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, लेकिन ये किसी साइड पर डिस्प्लेस हो जाता है या डेविएट हो जाता है और इसे हम बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, मीन्स DNS। नॉर्मल भाषा में इसे नाक की हड्डी बढ़ना या नाक की हड्डी टेढ़ी होना कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि DNS क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी कारण से पेशेंट की नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या बढ़ जाती है तो नाक का कोई एक छेद छोटा हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। दोस्तों, स्टडीज़ के अनुसार 70-80% लोगों में कम या ज़्यादा मात्रा में नाक की हड्डी टेढ़ी देखी गई है, लेकिन कोई सिम्टम्स ना आने के कारण पेशेंट रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसको ये कंप्लेंट है। अब हम यदि इसके कारणों पर बात करें तो नंबर वन कारण ये होता है कि किसी किसी पेशेंट में बाय बर्थ ही DNS देखा गया है। नंबर टू, यदि पेशेंट को नाक में कोई चोट लग गई है, कोई इंजुरी हो गई है तो भी उसका सेप्टम डेविएट हो जाता है और पेशेंट को DNS हो जाता है। नंबर तीन, यदि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण उसको नाक में स्वेलिंग आ गई है तो भी DNS होने के चांसेस होते हैं। अब हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे ये है कि पेशेंट को DNS हो जाने के कारण उसके नाक के छेद बंद हो जाते हैं या नैरो हो जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ आती है। जब किसी पेशेंट को किसी कारण से एलर्जी या कोल्ड या फ्लू हो जाता है तो उसको नाक में सूजन आ जाती है, उसके कारण भी उसके नाक के छेद बंद हो जाते हैं। पेशेंट की नाक बंद होने के कारण सोते वक्त उसके खर्राटे भी आ सकते हैं। और नंबर तीन, जब पेशेंट में इस तरह की तकलीफ होती है तो नाक के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है, उसके कारण उसको नाक से खून भी आ सकता है। इसमें पेशेंट को रूट ऑफ द नोज़ में पेन होता है और ये पेन रेडिएट हो जाता है हेड तक, चीक्स तक और समटाइम कान तक भी ये दर्द चला जाता है। इसमें स्लीप एपनिया की भी परेशानी देखी गई है। एक्चुअली होता क्या है कि पेशेंट की नाक बंद होने के कारण वो सांस नहीं ले पाता है और उसके कारण उसकी घबराहट बढ़ जाती है। पेशेंट की नाक कभी कभी अल्टरनेट बंद होती है, कभी उसका राइट नॉस्ट्रल बंद होगा, कभी उसका लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद होगा। पेशेंट की नाक बंद होने के कारण पेशेंट मुंह से सांस लेता है, इसलिए उसको ड्राइनेस ऑफ माउथ की भी शिकायत देखी गई है। अब हम यहाँ पर इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे है डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी। इसमें अंदर नाक के अंदर ट्यूब डालकर साइनस और नेजल पैसेस की पोजीशन को देखते हैं। इसमें नंबर टू पे है फेशियल एक्सरे। इसमें चेहरे का एक्सरे लेते हैं जिसमें यह देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हुई है या फिर कोई इंजुरी तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है बोन का या फिर बोन में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं आ गए हैं, तो ये सब हम एक्सरे से देख सकते हैं। फिर नंबर फोर पे होता है CT PNS। यह एक एडवांस स्टडी है। इसमें हम यह देख सकते हैं कि जो नेजल सेप्टम डेविएट हुआ है वो कितना डेविएट हुआ है। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है लेमना माइनर। यह मेडिसिन डकवीट से बनी हुई होती है और जब किसी एलर्जी के चलते पेशेंट के नाक का कार्टिलेज जो है वो डेविएट हो जाता है या बढ़ जाता है तो पेशेंट को नाक बंद होने की समस्या आती है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है अमोन का। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत लॉन्ग टाइम तक कोल्ड कोराइजा बना रहता है, उसके कारण पेशेंट की नाक बंद होने लगती है, वहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है और पेशेंट को DNS हो जाता है। यदि इस तरह की तकलीफ आ रही है तो अमोन का बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अमोन का तब भी दे सकते हैं जब पेशेंट को इन सब कारण के कारण उसको सूंघने की क्षमता उसकी कम हो गई हो। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है ट्यूक्रियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को नेजल पॉलिप की समस्या मिलती है और पेशेंट को अपनी नाक बहुत भरी भरी फील होती है और उसको अपनी नाक से बहुत फॉल स्मेल आती है और इन सब तकलीफ़ों के साथ
पेशेंट को एलर्जिक रिनाइटिस की भी यदि कंप्लेन बनी हुई है तो ट्यूक्रियम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है सैंगुनेरिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को राइट साइडेड कंप्लेंट होती है और उसके नोज़ में बहुत कंजेशन फील होता है, उसके कान, उसको राइट आईब्रो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सैंगुनेरिया दे सकते हैं। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है कैलिबाय। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत लंबे समय तक बहुत रोपी म्यूकस डिस्चार्ज निकल रहा है जिसके कारण उसको रूट ऑफ द नोज़ में पेन होने लगा है, उसको प्लग लाइक सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है यहाँ कुछ भरा हुआ है, इसके कारण उसका पेन जो है वह फ्रंटल साइनस तक रेडिएट करने लगता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कैलिबाय बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें पेशेंट को लॉस ऑफ स्मेल की समस्या भी मिल सकती है, मीन्स उसकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके DNS की समस्या को समझने में, उसको ठीक करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो माय चैनल। थैंक यू।